Hello students, today we are going to study computer open chapter number 2 parts of a computer page number 13. This is your second chapter parts of a computer. Yahan pa dusra chapter hai computer ka bachcho parts of a computer. As a machine is made up of different parts, our body also has different parts. In the same way, computer also has a different part, two parts. जैसे कि हमारा शरीर parts of computer. जैसे हमारे शरीर है, human body है. इसमें क्या है? Eyes, ear, leg, legs, arms, nose, chest, okay, ear, head. These are parts of the human body. These are parts of human body. अगर एक इंसान को हम कहें तो उसके शरीर का कौन कौन सा है, ये सारे अंग हैं उसके, ठीक है, और भी हैं उसमें किडनीज एक्सेट्रा. इसी तरह किसी मशीन का अगर हम कोई कार में कहें कार के क्या है तो हम कहेंगे आपका लाइट, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर के पार्ट्स है, मॉनिटर, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड. दिस इज आर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. ये जो है मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मुख्य पार्ट, मॉनिटर, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, ये मेन पार्ट है कंप्यूटर. इनके बगैर नहीं चल सकता. ये चार चीज चाहिए चाहिए, प्रिंटर होता है अगर आपको प्रिंट आउट की जरूरत है, ठीक है, लगा दीजिए. स्पीकर आपको कुछ सुनना है, ठीक है, इसको कंप्यूटर से अटैच कर देंगे. अगर कुछ देखना है, आपको कुछ रिकॉर्ड करना, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, वेब कैम आप लगा दीजिए, ना लगाइए कोई बात नहीं, तो अभी कंप्यूटर चलेगा. तो ये एसेसरीज हैं जो आप कंप्यूटर से अटैच करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं. लेकिन मॉनिटर, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, दीज आर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के मेन पार्ट्स. देखिए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, इनमें से कोई भी अगर मॉनिटर नहीं है, अगर मॉनिटर नहीं है तो हमें जो भी हम काम करेंगे कंप्यूटर पर हमें दिखे जाएंगे. अगर कीबोर्ड नहीं है तो हम कमांड नहीं दे सकते, कुछ लिख नहीं सकते, और भी कमांड और भी चीज़ें होती हैं कीबोर्ड के थ्रू होता है, तो हम कोई भी कमांड अंदर नहीं पहुँचा सकते. तो
अभी नहीं चल पाया था। माउस से कोई भी चीज़ अगर हमें सेलेक्ट करना हुआ, कोई चीज़ को ओपन करना हुआ, तो माउस से जो है क्वालिटी डिवाइस माउस, इससे हम जो है उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं या कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। माउस नहीं ऑफ तो हम नहीं काम कर सकते। सी पी यू अगर नहीं है तो सी पी यू इज नॉट मेन हम होता। अगर सी पी यू नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे कंप्यूटर में कुछ भी नहीं होता। तो दीज आर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, माउस, सीपीयू, बोर्ड। बट दीज आर ऑल आल्सो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्पेक कैम, माइक्रोफोन, बाथरूम क्लीनर एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम चले पढ़े इसके बारे में धीरे धीरे। देखिए मॉक पॉइंटर, मॉनिटर के बारे में हमने बताया, दिस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ये मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस होता है, जो भी हम पिक्चर हुआ या जो भी हम लाइक कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, तो हमें मॉनिटर पे दिखेगा। तो मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। वी शो द रिजल्ट ऑफ विच वर्क विच यू हैव डन ऑन द कंप्यूटर। मॉनिटर तो जो भी हम काम करेंगे कंप्यूटर को मॉनिटर पे हमें दिखेगा, तो हमें नहीं पता चल पाएगा। तो ये हमें मॉनिटर का काम क्या है कि हमारे काम को शो करना है, हमारे काम को भी शो करता है। मॉनिटर लुक्स लाइक टेलीविजन और ये टीवी की तरह होता है। देखिए पहले भी पिछली क्लासेस में भी आपको पढ़ाया जा चुका है, यहाँ भी पढ़ाया जाए, मॉनिटर लुक्स लाइक टेलीविजन, इट इज एन आउटपुट डिवाइस, इट शोज द रिजल्ट ऑफ वर्क विच वी हैव डन ऑन द कंप्यूटर। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर के बारे में हमने पढ़ लिया। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है? दिस इज अ कीबोर्ड, ये कीबोर्ड है। यहाँ पे ये छोटे छोटे बटन्स होते हैं जिनको हम कीज कहते हैं। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, ये जो है इनपुट डिवाइस होता है। जो भी चीज़ हमें अंदर हमें डालनी होती है, जो भी कमांड और डायरेक्शन हमें देना होता है, कीबोर्ड के थ्रू हम देते हैं। तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, इट इज यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स ऑन द कंप्यूटर। और कीबोर्ड का काम होता है किसी लेटर्स को हम टाइप करना या किसी लिखना, तो कीबोर्ड के थ्रू ही हम लिख पाएंगे। तो नंबर हमें लिखना हो कीबोर्ड के थ्रू ही हमें लिखना है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक कॉमा, स्टार, हाइफन एंड एट, कुछ भी आपको लिखना हो स्पेशल कैरेक्टर कंप्यूटर के कीबोर्ड के थ्रू ही हम लिख पाएंगे। कीबोर्ड एज अ स्मॉल बटन ऑन द कीबोर्ड, there are small button on the keyboard, these buttons are known as keys. The small button on the keyboard are known as keys, yani keys ke liye chote chote button hote hain, keys ke liye. To humne yahan pe keyboard par ke bachcho, ab aage hum padhenge central processing unit, CPU. CPU ko full form kya hai? CPU ka central processing unit. Dekhiye CPU, to usse piche ki class mein bhi humne padha hua hai, abhi acche se yaad hai. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है, बट सीपीयू इज प्रोसेसिंग डिवाइस। इट इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जैसे आपके पास दिमाग होता है वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर कुछ नहीं है, आपका दिमाग काट के निकाल दिया जाए तो आप कुछ भी कर नहीं पाइएगा। वैसे ही कंप्यूटर का ये सीपीयू वगैरह हटा दें कंप्यूटर से तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट हेल्प द कंप्यूटर टू परफॉर्म ऑल द वर्क्स। और जो भी काम होता है इसके थ्रू ही होता है। जो भी डेटा इंटर करते हैं सीपीयू में प्रोसेस होता है, उसके वजह से आउटपुट हमारे मॉनिटर पे दिखता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज माउस। देखिए माउस है, माउस क्या होता है? माउस ये माउस है आपका, माउस जैसे
mouse is an input device, and also input device होता है यहाँ पे mouse, जो भी हमें computer में जो है कुछ select करना है, कुछ open करना है, कुछ कोई भी command देना है, तो इसके through mouse के through होता है। इसलिए also known as pointing device, इसलिए also class.